हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक सुंदर सी स्वेटर डिजाइन सिखाने जा रही हूँ। ये स्वेटर डिजाइन आप किसी में अभी अप्लाई कर सकते हैं। बेबी स्वेटर, लेडी स्वेटर, जेंट्स स्वेटर, बहुत ही ब्यूटीफुल और सुंदर डिजाइन है। ये किस तरीके से बनाई जाती है ये मैं आपको बताऊँगी। देखिए फ्रेंड, इस तरीके से 1, 2, 3, 4 ये 4 फंदे हमें सीधे बिनने हैं और 2 फंदे उल्टे बिनने हैं। अब यही रो हमारी बार बार रिपीट होंगे, 4 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। पूरी रो में यही रिपीट होता जाएगा, 4 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे। पहली रो इसी तरीके से करनी हमें, 4 फंदे उल्टे बिनने हैं और 2 फंदे सीधे बिनने हैं। 4 फंदे सीधे बिनने हैं और 2 फंदे उल्टे बिनने हैं। ये देखिए इस तरीके से। बैक साइड से हमें 4 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे बिनने हैं। सेकेंड रो बैक साइड से 4 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे। इस तरीके से हमें निकाल लेना है। पूरी रो, सेकेंड रो हमारी इसी तरीके से निकलेगी, 4 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे। बहुत ही इजी और ब्यूटीफुल डिजाइन है। आप मेरे चैनल में नए हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और पहले से जुड़े हैं तो लाइक ज़रूर करें। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से मैंने ये पूरा कर लेना है। ये देखिए, अब मैंने सेकंड रो कर लिया। अब मैं आ गई हूँ थर्ड रो पे। थर्ड रो पे भी हमें इसी तरीके से करना है। थर्ड रो पे भी हमें जो सीधा है उसे सीधा बिन लेना है और जो उल्टा है उसे उल्टा बिन लेना है। थर्ड रो में कोई डिजाइन नहीं करनी है। जैसी हमने फर्स्ट रो निकाली वैसी हमें थर्ड रो भी निकाल लेनी है इस तरीके से।
अब बैक साइड से भी फोर रो को भी हमने वैसे ही निकाल लेना है। फोर रो में भी हमें कोई नहीं, जैसे हमने सेकंड रो निकाली वैसे हमने फोर रो को भी निकाल लेना है। अब मैं आ गई हूँ फाइव रो, फाइव रो फ्रंट साइड से। फाइव रो को ध्यान से देखना है फ्रेंड। देखिए अब हमें क्या करना है, ये जो दो ट्विस्ट कर देने फंदे, ये जो दो फंदे पीछे हैं इनको आगे लेना है, और जो आगे के दो फंदे हैं उनको इस तरीके से पीछे लेना है, और इन फंदों को पहले पीछे के फंदों को दो आगे बिनना है, फिर आगे के जो पीछे कर रखे हैं उनको बिनना है इस तरीके से ये, और फिर दो फंदे उल्टे बिनने हैं। उल्टे वाले फंदों में कुछ नहीं करना है, उन्हें उल्टे बिनना है, और जो ये फोर फंदे हैं इनको ट्विस्ट कर देना है इस तरीके से। देखिए इस तरीके से ट्विस्ट कर देना है, वन टू थ्री फोर। देखिए इस तरीके से ट्विस्ट करके फिर ये इसको हमें उल्टा बिन लेना है। फोर फंदों का ही ये डिजाइन है। अब टू फंदे हम बीच में अपनी हिसाब से रख सकते हैं, टू भी रख सकते हैं फोर भी, वो आप अपने हिसाब से रख लें। हमें डिजाइन सिर्फ फोर फंदों में ही बनानी है। ये देखिए इस तरीके से ये देखो इस तरीके से इसे हर हर फोर रो में होगा, से ट्विस्ट करते जाना है इस तरीके से। देखिए इस तरीके से ट्विस्ट कर लेना है। और एज स्टिच को छोड़ के चार बैक साइड से एज स्टिच का फंदा निकालने के बाद चार फंदे उल्टे और टू फंदे सीधे बैक साइड से बिनना है। बैक साइड से हर रो में यही डिजाइन रहेगी, बैक साइड से हमारी डिजाइन चेंज नहीं होगी। सिक्स रो में भी हमें वही करना है जो हम फर्स्ट रो से करते सेकेंड रो से करते आए हैं। बैक साइड से हमारी डिजाइन चेंज नहीं होगी, बैक साइड से हमें वैसी ही ये डिजाइन निकालनी है। ये देखिए बैक साइड से भी हमारी सिक्स रो भी कंप्लीट हो गई है। फिर ध्यान से देखें, वीडियो स्क्रिप ना करें, पूरी वीडियो देखो तो आप समझ पाओगे कि डिजाइन किस तरीके से है। देखिए अब हमें क्या करना है सेवन रो में। सेवन रो में हमें जैसे ही हमने चार फंदे सीधे बिने, देखिए चार फंदे सीधे बिने और टू फंदे उल्टे बिने, उसी तरीके से हमें इसे करते जाना है। चार फंदे सीधे
टू फंदे उल्टे। ये हमारी फोर रो की डिजाइन है, फोर रो हमारी नहीं सॉरी सिक्स रो की डिजाइन है। सिक्स रो हमारे बार बार रिपीट होंगे और कुछ इस तरीके की, अभी दिख नहीं रही होगी, थोड़ा बहुत दिख रही है, चुटिया डिजाइन की तरह बन के आएगी, क्योंकि ये हमने अभी थोड़ा सा बना रखा है, इसके आगे और बनाएंगे तो ये पूरी डिजाइन दिखेगी और बहुत ही सुंदर व ब्यूटीफुल डिजाइन लगती है। फ्रंट साइड से कुछ इस तरीके की दिखती है और बैक साइड से कुछ इस तरीके की दिखती है। और आपको मेरी डिजाइन पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय।